गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। तो आज का सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सीरिया पर जो हमला हुआ है उसका आज बाजार पर किस तरह का असर देखने को मिल सकता है। और भी काफी सारे फैक्टर्स हैं आज बाजार में, इंफोसिस के नतीजे भी आए हैं ओवर द वीकेंड, और इसका असर क्या रहेगा ये सटीक विश्लेषण भी हम आपको देंगे। और इसके अलावा इक्विटी और कमोडिटी में ऐसे बाजार में कहाँ हैं आपके लिए कमाई के मौके, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी का एक अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त करीब 0.5% का दबाव देखने को मिल रहा है, 40 अंकों से ज़्यादा की कमजोरी है। और एशियाई बाजारों पर एक बार नज़र डालें तो शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी। इस वक्त शंघाई हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहा है, लेकिन निकाई पॉजिटिव है और स्ट्रेट साइन भी पॉजिटिव ही कारोबार कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स को का भी एक बार अपडेट ले लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छे बढ़त देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो करीब 131 अंकों की बढ़त डाउ फ्यूचर्स में देखने को मिल रही है। विदेशी बाजारों से और किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, इसका पूरा अपडेट, इसका पूरा विश्लेषण देने के लिए हमारे साथ संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, बताइए इस वक्त जो हमला हुआ है सीरिया पर, डाउ जोन्स शुक्रवार को ये करीब 100 अंकों की कमजोरी देखने को मिली थी और यूरोपियन बाजार भी फ्लैट ही थे। इसके अलावा एशियन मार्केट्स की बात करें तो वहां से मिली जुली शुरुआत है, क्या माना जाए कि मार्केट पहले ही इसका अनुमान लगा चुका था? देखिए, खबरें तो थी ही फ्राइडे को पूजा की सैन्य कार्रवाई हो सकती है सीरिया के ऊपर यूएस की ओर से, फ्रांस और यूके के साथ मिलके, और वैसा ही देखने को मिला है। कुछ टारगेटेड ऐसी जगहें थी जहां पे यूएस की ओर से हमला किया गया और उसका इम्पैक्ट आप देखिए एसजेक निफ्टी में देखने को मिला, जहां अब देखिए करीब जो गिरावट है वो बढ़ती हुई दिख रही है। 0.5% के आसपास की जो गिरावट है वो एसजेक निफ्टी में देखने को मिली है, 10,450 के आसपास के लेवल है। लेकिन ज्यादातर एशियन मार्केट्स आज पॉजिटिव है। देखिए, खबरें फ्राइडे को भी थी मार्केट्स में कि यूएस सीरिया के ऊपर एक सैन्य कार्रवाई कर सकता है, मिसाइल हमला हुआ शुक्रवार को यूएस की ओर से सीरिया के ऊपर। लेकिन अब जो अच्छी बात यह है जिस वजह से एशियन मार्केट की शुरुआत पॉजिटिव हुई है वो ये है कि यूएस ने ऐसा बयान दिया है, यूएस की ओर से जो उनके वहां के डिफेंस सेक्रेटरी, उन्होंने कहा है कि आगे और सीरिया के ऊपर हमले की कोई योजना उनकी नहीं है। जितने टारगेटेड पोस्ट थे, खासतौर पर ऐसे ठिकाने जहां पे कुछ केमिकल्स होने की आशंका थी, उन स्पॉट्स को यहां पे टारगेट किया गया और वहां पे मिसाइल हमले किए गए हैं, लेकिन आगे कोई हमला नहीं होगा। यही कारण है कि आज देखिए एशियन मार्केट की पॉजिटिव शुरुआत है और डाउ नैसडेक फ्यूचर्स दोनों देखिए इनमें करीब 0.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। शुक्रवार को जरूर यूएस के मार्केट्स 0.5% के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुए, क्योंकि ट्रंप ने जैसे ही अनाउंसमेंट किया कि सीरिया के ऊपर अटैक होगा, हवाई हमला होगा, ऊपरी स्तरों से हल्के होकर बंद हुए और डाउ जोन्स जो कि एक समय करीब 150 पॉइंट के आसपास गेंस भी दिखा रहा था, ऊपरी स्तरों से करीब 286 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुआ। अच्छी बात यह भी है पूजा कि आज जो शुक्रवार को जो यूरोपियन मार्केट की क्लोजिंग थी वो करीब 1.5% के आसपास की गेंस के साथ हुई, और ये जो हवाई हमला हुआ है सीरिया का, बीते हफ्ते हमने देखा क्रूड में काफी अच्छे गेंस बनते हुए दिखे थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है और $72 के आसपास के जो लेवल है जो हमने शुक्रवार को भी देखे थे उन्हीं लेवल्स के आसपास ही क्रूड में जो कारोबार है वो देखने को मिल रहा है, तो यानी कि वहां पे थोड़ी सी स्थिरता देखने को मिली है $72 के आसपास। तो कुल मिलाकर देखा जाए क्रूड से भी कोई खास नेगेटिव संकेत नहीं है और सीरिया पे हमला होने के बावजूद आज जो एशियन मार्केट की शुरुआत हुई है वो एक पॉजिटिव टोन इंडिकेट कर रही है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं एक माइल्ड पॉजिटिव शुरुआत इंडियन मार्केट्स की हो सकती है। माइल्ड पॉजिटिव शुरुआत हुई है फिलहाल, इस तरीके के अपडेट्स यहां पर निकल कर आ रहे हैं। और राइटली सेड, संदीप जी ने भी जैसा कहा कि जिस तरह के नेगेटिव सेंटीमेंट की हम उम्मीद कर रहे थे उतना कुछ खास असर इस वक्त देखने को नहीं मिल रहा है, संकेत ओवरऑल पॉजिटिव ही यहां पर निकल कर आ रहे हैं। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का कारोबार यहां पर देखने को मिला है। FIIs की बात करें, शुक्रवार को आपको याद होगा यहां खरीदारी हुई थी विदेशी निवेशकों की तरफ से, गुरुवार को खरीदारी हुई थी विदेशी निवेशकों की तरफ से, लेकिन शुक्रवार को जो आंकड़ा आया है वहां पर बिकवाली, करीब 400 करोड़ की बिकवाली विदेशी निवेशकों की तरफ से देखने को मिली है। और घरेलू निवेशकों की तरफ से खरीदारी एक बार फिर लौटी है, करीब 306 करोड़ की खरीदारी DIIs की तरफ से देखने को मिली है। वहीं FNO मार्केट की बात करें तो 716 करोड़ की नेट खरीदारी FNO मार्केट में देखने को मिली है। चलिए, अब हमारे साथ अनिल सिंह भी जुड़ चुके हैं, मार्केट का एक अपडेट उनसे भी ले लेते हैं। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। सीरिया पर जो अटैक हुआ है, सबसे बड़ा सवाल तो आज यही है कि बाजार में उसका किस तरह का रिएक्शन देखने को मिलेगा, सेंटीमेंट ओवरऑल कैसे रहेंगे? गुड मॉर्निंग पूजा, मुझे नहीं लगता कि बाजार को बहुत ज्यादा सीरिया पर अटैक से डरने की जरूरत है। दो वजह है, एक तो ये कि न तो दुनिया भर के बाजारों में कहीं कोई बहुत परेशानी के संकेत है, और दूसरा ये कि न ही कच्चे तेल में बड़ा उछाल आया, तो ग्लोबल मार्केट से जो आपको दो संकेत लेने होते हैं वो दोनों ही संकेत इनफैक्ट नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका एक डर था वो डर खत्म हो चुका है, जो यूएस डिफेंस की तरफ से जो बयान आया वो यही कह रहे हैं कि उन्हें जो काम करना था कर दिया, और अभी और फिलहाल कोई जल्दबाजी में नया एक्शन, नए अटैक होने की संभावना
संभावना नहीं है, नहीं कोई दुनिया भर के दूसरे देशों की तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया है कि जिससे बाजारों को डर लगे। तो मुझे लगता है एक घटना थी, हो गई, खत्म हो गई। और अच्छी बात ये हुई कि ये घटना हुई वीकेंड पर जब बाजार बंद थे। हाँ, वीकडे में या बाजार जब खुले होते तब ये अगर इस तरह का कोई एक्शन होता तो बाजार एक पैनिक नीजक रिएक्शन जरूर दिखाता। तो मुझे नहीं लगता इससे डरने घबराने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, और जब थोड़ी देर पहले संदीप भी बता रहे थे कि ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो माइल पॉजिटिव की तरफ ही है, ज्यादा कुछ दबाव यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो सर, आज के लिए फिर रणनीति क्या सुझा रहे हैं आप? देखिए, आज के लिए फोकस सिर्फ घरेलू संकेतों पर कीजिए। ठीक है, दुनिया भर के संकेत हमने देख लिए कभी, लेकिन हमारे लिए दो संकेत सबसे अहम है। पहला इन्फोसिस के नतीजे और उनका गाइडेंस, और दूसरा आज आने वाले मौसम विभाग का अनुमान। ये दोनों ही भारतीय बाजारों का डायरेक्शन तय करेंगे। और शुरुआत में अगर आपको एग्जिट निफ्टी में कमजोरी दिख रही तो ये ग्लोबल मार्केट की वजह से नहीं बल्कि पूरी की पूरी इन्फोसिस के नतीजों की वजह से। और मुझे लगता है जो कमजोर नतीजे और गाइडेंस पेश किए हैं इन्फोसिस ने, उसके बाद इन्फोसिस के शेयर पर आईटी शेयरों पर एक अच्छी मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी और वो बाजार को नीचे की तरफ खींचेगा। 10,425 ये बेहद अहमियत वाला लेवल है, यहाँ पर नजर रखें। ऐसा नहीं लग रहा कि ये आसानी से टूटने वाला है, और इन लेवल के आसपास बाजार आएगा तो अच्छे से सपोर्ट भी ले लेगा। ऊपरी स्तरों पर 10,525 के पार निकलने के बाद ही फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। तो शुरुआत कमजोर होगी और मुझे लगता है उसके बाद बाजार की चाल के विपरीत ट्रेड करना होगा। तो अल्टीमेटली 10,425 की रेंज में मिलता है मौका तो खरीदारी कर लेनी चाहिए, और 10,525 के पार निकलना मुश्किल होगा। तो उन लेवल्स के आसपास प्रॉफिट बुकिंग या बड़े एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं। और भारतीय बाजारों के खुलने के वक्त तक थोड़ी सी एशिया की स्थिति और साफ होती हुई दिखेगी। फिलहाल तो दाव फीचर्स काफी मजबूत दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है गिरावट में थोड़ा सा खरीदारी का मौका देखना चाहिए। दबाव सिर्फ आईटी शेयरों पर ज्यादा दिखेगा, और अगर आईएमडी का अनुमान मौसम को लेकर बारिश को लेकर बहुत अच्छा नहीं आया तो फिर 10,400 को होल्ड करने में चैलेंज होगा, तब तक करने की जरूरत नहीं। ओके, थैंक यू अनिल जी सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो कुछ लेवल्स हैं आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं जो कि आपको कीनली वॉच करना है, और जैसे कि आपको बताया गया कि आज दो अहम ट्रिगर भी हैं बाजार के लिए जहां पर कि आपको नजर रखनी है। एक तो है कि इन्फोसिस के नतीजे, शुक्रवार देर शाम इन्फोसिस ने अपने नतीजे जारी किए हैं, इस पर हम नजर रहेगी। गाइडेंस, यहां पर जो गाइडेंस दी है कंपनी में वहां थोड़ी हल्की कमजोरी देखने को मिली है तो उसका एक रिएक्शन बाजार दे सकता है। इसके अलावा मौसम विभाग को लेकर मौसम विभाग अपना पहला पूर्वानुमान आज जारी करेगा, और विभाग के मुताबिक सोमवार दोपहर 3:30 बजे मानसून को लेकर अपना अनुमान जारी करेगा। तो ये दो काफी इंपॉर्टेंट ट्रिगर होंगे बाजार के लिए जिस पर कि आज आपको नजर रखनी चाहिए। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि इन्फोसिस पर आपको आज सटीक विश्लेषण देंगे क्योंकि शुक्रवार देर शाम इन्फोसिस के भी नतीजे आए हैं। कैसे रहे हैं नतीजे ये बताने के लिए सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित बताइए। शुक्रिया पूजा। देखिए, जो अनुमान लगाया गया था कि 28% एक डिप रहेगा कंपनी के मुनाफे के अंदर क्योंकि हाई बेस था, उसका इम्पैक्ट आएगा, और हूबहू उसी तरह से एक डिप आता हुआ दिखाई पड़ा और एग्जैक्ट 28% का ही यहां पर डिप आया। 1.5% के आसपास रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान था कॉन्स्टेंट करेंसी में भी और रुपी टर्म्स में भी, और वो भी इन लाइन ही आता हुआ दिखाई पड़ा। वहां पर भी बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। 28% मुनाफे में डिप क्योंकि पिछले साल एक टैक्स का कंपनी को टैक्स राइट बैक मिला जिसकी वजह से हाई बेस है और वो शायद इम्पैक्ट करके गया। और दूसरी चीज जो है कंपनी के रेवेन्यूज जो है वो भी 1.5% के आसपास बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। मार्जिन करीब करीब 10 बेसिस पॉइंट बढ़ने का अनुमान था और मार्जिन 40 बेसिस पॉइंट बढ़ के आया, यानी कि जो आंकड़ा था उससे स्लाइटली बेटर मार्जिन बढ़कर आते हुए दिखाई पड़े हैं। यहां तक सब कुछ ठीक है, लेकिन जो चीजें डिरेल हुई हैं वो डिरेल हुई हैं कंपनी की गाइडेंस के बाद से। कंपनी ने अपनी कॉन्स्टेंट करेंसी की गाइडेंस को तो 6-7% के आसपास पे 6-8% पे मेंटेन किया है, लेकिन जो कंपनी की मार्जिन की गाइडेंस है उसको डाउनवर्ड साइड पर रिवाइज किया है। वो करीब करीब 22-24% FY19 के लिए कंपनी ने गाइडेंस दी है जो कि पिछले साल 23-25% थी। तो वहां पर कंपनी ने लोअर एंड के मार्जिन को भी रिड्यूस किया और अपर एंड के मार्जिन को भी रिड्यूस किया है। ये कंपनी के लिए एक सेटबैक हो सकता है, मार्जिन का रिडक्शन कंपनी के लिए दबाव रहेगा। कुछ और फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट रहे हैं, उन्होंने इस क्वार्टर के अंदर एक 10 रुपए का स्पेशल डिविडेंड दिया है, 20 रुपए का नॉर्मल डिविडेंड दिया है जो कि एक प्रैक्टिस है कि एक अच्छा कैश फ्लो है और एक अच्छा कैश रिजर्व भी है तो उसका इस्तेमाल कंपनी ने किया है डिविडेंड पे ऑफ करके। लेकिन मार्जिन का डाउनवर्ड साइड पर रिविजन करना ये शेयर के ऊपर आज जरूर इंपैक्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। और राइट, तो इन्फोसिस के नतीजे तो अनुमान के मुताबिक ही आए हैं जो हमने पोल किया था, लेकिन गाइडेंस ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा जिस पर की बाजार की नजर रहेगी। चलिए चलते हैं संदीप के पास। संदीप, आज ब्रोकरेज हाउस की भी काफी सारी रिपोर्ट्स आई हैं इन्फोसिस के नतीजे को लेके, क्या कह रहे हैं वे?
देखिए पांच रिपोर्ट हैं, जैसे सुमित कह भी रहे थे, ये जो मार्जिन रिडक्शन की बात की गई है गाइडेंस में, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हर ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट में अगर आप देखें आपको साफ तौर पे नजर आएगी। पांच में से तीन ब्रोकर्स आपको न्यूट्रल या नेगेटिव साउंड करेंगे। पहले तो नमूरा है जिन्होंने 990 रुपये तक के टारगेट प्राइस दिए हैं, सबसे कम टारगेट है जो कि पांचों रिपोर्ट में आपको नजर आएगा। वो कह रहे हैं कि नतीजे अनुमान के मुताबिक है लेकिन जो मार्जिन्स हैं उसका जो गाइडेंस है उससे इनको काफी ज्यादा निराशा हुई है। सिटी ने भी न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है लेकिन जो टारगेट प्राइस है उसे रिड्यूस किया और उसे घटाकर 1195 रुपए क्या है। और तीसरी और जो क्रेडिट स्वीस की रिपोर्ट आई उन्होंने भी न्यूट्रल रेटिंग दी है यहां पे और 1100 रुपए तक के टारगेट प्राइस हैं। ये तीन ब्रोकर्स हैं जो कि नेगेटिव हैं लेकिन दो ब्रोकर्स हैं जो कि अब भी लंबी अवधि के नजरिए से स्टॉक को लेकर पॉजिटिव हैं। पहले हैं जेपी मॉर्गन जिन्होंने ओवरवेट रेटिंग दी है, 1230 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। बावजूद इसके कि ओवरवेट रेटिंग दे रहे हैं पूजा, देखिए कह रहे हैं कि मार्जिन गाइडेंस से इनको भी निराशा हुई है और आय बढ़ाने के लिए अब कुछ जो नए निवेश हैं उनकी जरूरत करनी पड़ सकती है कंपनी को। मैक्वेरी ने आउट परफॉर्म रेटिंग दी है यहां पे और टारगेट प्राइस इंक्रीज किया है। इंटरेस्टिंग है ये एकमात्र ब्रोकर है जिन्होंने अपनी जो रेटिंग है उसे पॉजिटिव साइड पर रखा है और टारगेट प्राइस को इंक्रीज किया है। अब जो नए टारगेट प्राइस पर दिए उन्होंने लक्ष्य बढ़ाकर वो 1250 रुपए के हैं। थैंक यू संदीप ये सारी डिटेल शेयर करने के लिए। तो तीन ब्रोकरेज हाउस ने नेगेटिव रिपोर्ट दी है और दो ब्रोकरेज हाउस अभी भी ये मान के चल रहे हैं कि लंबी अवधि के लिए आउट परफॉर्म की रेटिंग यहां पर इंफोसिस पर दी है। लेकिन इंफोसिस के अलावा कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर खबरों के लिहाज से आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए सुमित हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित बताइए। पूजा देखिए कुछ और खबरों की अगर बात करें तो उसमें यूको बैंक पे आज आप ध्यान रख सकते हैं। बैंक के जो पूर्व चेयरमैन हैं उनके उनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल 621 करोड़ रुपए का जो घोटाला था उस मामले में ये पूछताछ की जा रही है। कई जो ठिकाने हैं उन पे भी छापेमारी हुई है, करीब 10 ठिकाने दिल्ली मुंबई में जहाँ पे छापेमारी की भी खबरें हैं। तो यूको बैंक पे आप ध्यान रखें। इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स, यहाँ पर बोर्ड ने एक स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दे दी है। एक शेयर को 5 शेयर में अब स्प्लिट किया जाएगा, यानी विभाजन किया जा रहा है। तो जो दाम है अभी तो नहीं लेकिन हाँ आने वाले समय में 700 से 800 रुपए के आसपास ये दाम आता हुआ दिखाई पड़ सकता है मौजूदा दाम के हिसाब से। इसके अलावा पायनियर डिस्टिलरी पर भी नजर रख सकते हैं क्योंकि वो इसकी सब्सिडरी है, अकॉर्डिंगली वो भी यहाँ पर रिएक्ट करते हुए दिखाई पड़ सकती है। आप ONGC पर भी ध्यान रखें जहाँ पर ONGC सरकार जो है वो पवन हंस में हिस्सा बेचने के लिए बोलियाँ मंगवा रही है और ये इसके लिए जो बोलियां हैं इसकी डेडलाइन भी उन्होंने दे दी है, शायद 10 से 11 जून के आसपास तक बोलियां मंगवानी है। और ONGC पवन हंस में करीब 49% स्टेक जो है वो ओन करता है, तो ONGC पे भी आप खासा ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा टाटा स्टील ने अपने सेल्स के नंबर्स दिए हैं जहां पे इनकी जो डोमेस्टिक बिक्री है वो तो करीब 3.01 मिलियन टन के आसपास रही है और यूरोपियन बिक्री जो है वो 2.48 मिलियन टन रही है। इंडियन बिक्री जो है उसमें तो इम्प्रूवमेंट है, वो तो बढ़कर आई है लेकिन यूरोपियन बिक्री जो है वो गिर कर आई है। तो हो सकता है मिक्स सा रिएक्शन यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़े। वैसे ही मेटल स्पेस बहुत चल चुका है तो हो सकता है थोड़ा कूल ऑफ भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़े। तो ये सभी शेयर हैं, इनके ऊपर आप ध्यान रखें। ऑलराइट, तो ONGC, यूको, टाटा स्टील ये कुछ ऐसे शेयर हैं जो कि खबरों के लिहाज से आज फोकस में रहेंगे। मार्केट पर एक और जानकार का रिएक्शन ले लेते हैं। कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग से हमारे साथ अरुण मंत्री जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। अरुण हाय, गुड मॉर्निंग। मार्केट पर आज रणनीति क्या होनी चाहिए पहले तो ये बताइए और आज ट्रेडिंग के लिहाज से आप मौके कहाँ देख रहे हैं, कौन से सेक्टर आपको पॉजिटिव लग रहे हैं, कौन से स्टॉक पॉजिटिव लग रहे हैं आपको ये भी बताइए। गुड मॉर्निंग। अभी देखिए ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड हमें शॉर्ट टर्म के लिए 1 से 2 दिन के लिए नेगेटिव ही लग रहा है, जिस हिसाब से फ्राइडे के दिन 10,500-520 का रेजिस्टेंस निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाया था, हमें लग रहा है 10,400 तक मार्केट रिट्रेस हो सकता है। कि ओवरऑल डेरिवेटिव फंड से भी डेटा देखते हैं तो 10,350 का एक रेंज मार्केट में निकल गया। तो फर्दर डे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी होगी, 10,540 का स्टॉप लॉस लगाएं और 10,420 से 10,400 का टारगेट निफ्टी में। ठीक है अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी डिटेल शेयर करने के लिए। तो इसके अलावा दो ट्रेडिंग आइडियाज आपकी तरफ से जहां पर की कमाई के मौके आप देख रहे हैं आज। स्टॉक स्पेसिफिक में हमें लग रहा है कि मिड कैप में काफी एक्शन हो सकता है, ऐसे दो मिड कैप स्टॉक्स है अशोक लेलैंड में काफी लॉन्ग पोजिशन फ्राइडे के सेशन में ऐड हुए थे, इस स्टॉक को आप लॉन्ग करें, कीपिंग स्टॉप 145, ऊपर में 155 का टारगेट आप देख सकते हैं। दूसरा स्टॉक होगा GSFC में भी अच्छे लॉन्ग पोजिशन फ्राइडे के सेशन में ऐड हुए थे, इस स्टॉक में भी लॉन्ग करें, 125 का स्टॉप लॉस लगाएं और 133 का ऊपर में टारगेट। ओके थैंक यू अरुण ये डिटेल्स शेयर करने के लिए। तो GSFC और अशोक लेलैंड ये दो स्टॉक्स हैं जहां पर कि आज कमाई के मौके हैं। GSFC 133 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं और अशोक लेलैंड आज खरीदारी करिए, चलिए 155 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी ट्रेडिंग कॉल्स पर नजर डाल लेते हैं जहां पर कि आज कमाई के मौके जानकार देख रहे हैं, एक्सपर्ट देख रहे हैं। प्रूडेंट ब्रोकिंग की राय में भी अशोक लेलैंड आज अशोक लेलैंड में काफी सारे जानकार पॉजिटिव हैं,
इन्होंने भी अशोक लेलैंड में खरीदारी करने की राय दी है। 154 के टारगेट ये देख रहे हैं और 146 का स्टॉप लॉस लगाने की ये राय दे रहे हैं। इसके अलावा एस्कॉर्ट्स यहां पर भी खरीदारी करने की राय निकलकर आ रही है। आज ऑटो स्टॉक्स पर काफी ज्यादा फोकस है, 1000 के लेवल्स देखने की उम्मीद है, स्टॉप लॉस लगाइए 908 का। एक्सिस सिक्योरिटीज ने एनएमडीसी में खरीदारी की राय दी है। इनका मानना है कि 128 130 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 120 का। अगले कॉल में एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से ग्लेनमार्क फार्मा में खरीदारी करने की राय आ रही है। शुक्रवार को 4% तक की तेजी भी थी इस स्टॉक में और इनका मानना है कि आज 600 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, खरीदारी करने की राय ग्लेनमार्क फार्मा में। आरसीएफ यहां पर भी खरीदारी करने की राय है, 85 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आज इस शेयर में शुक्रवार को भी मोमेंटम अच्छा था, 5% तक की तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी। तेजी का मोमेंटम बरकरार रहेगा लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 80 का। और अगले कॉल में आईडीबीआई कैपिटल की तरफ से यहां पर खरीदारी की राय ही है आरसीएफ में। तो ये कुछ ऐसे ट्रेडिंग कॉल्स थे जहां पर की खरीदारी की राय निकल कर आ रही है, आरसीएफ, ग्लेनमार्क फार्मा, एस्कॉर्ट्स, और ज्यादातर जो खरीदारी की राय है वो ऑटो स्टॉक्स में काफी ज्यादा निकल कर आ रही है। अशोक लेलैंड और एस्कॉर्ट्स में आज खरीदारी करने की राय यहां पर देखने को मिल रही थी। चलिए अब कमोडिटी मार्केट का भी एक चेक ले लेते हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि आज कमोडिटी मार्केट में क्या करना चाहिए। इनफैक्ट हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज से अमित सजेजा जुड़ चुके हैं। अमित, हाय, गुड मॉर्निंग। आज ब्रेंट क्रूड की बात करें, कच्चे तेल की बात करें, तो काफी सारे जानकारी मानकर चल रहे हैं कि $75 ये जो स्तर है ये भी तोड़ सकता है। आपका क्या कहना है, कच्चे तेल में आपकी रणनीति क्या होगी? जी नमस्कार। देखिए, जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम के चलते क्रूड में जो है सेंटिमेंट अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। लास्ट वीक हमने लगभग 4 साल के हाई पे क्लोज होते हुए देखा था, तो आई थिंक आज के दिन में भी जो मोमेंटम है वो तेज रहेगा। और स्पेसिफिकली अगर हम एमसेक्स क्रूड की बात करें तो 4400 के ऊपर क्लोज दिया था, मेरे हिसाब से 4450 से 4460 के लेवल देखने मिल सकते हैं एमसेक्स क्रूड में। चलिए, तो एमसेक्स क्रूड में ये राय आपको दे दी गई है खरीदारी करने की राय, और 4450 के लेवल्स यहाँ पर ये सुझा रहे हैं एमसीएक्स क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। अमित, सोने पर इसके अलावा रणनीति क्या होनी चाहिए आज के लिए? जी देखिए, इनिशियल हाफ के सेशन में हो सकता है कि हमें तेजी देखने मिले एंड 31,300 तक चला जाए। हालांकि ये कहना चाहूंगा कि 31,600 जो ऑलमोस्ट लास्ट वीक के हाइस्ट थे वो ब्रीच नहीं हो पाएगा, तो लिमिटेड तेजी है, बट शॉर्ट टर्म के लिए तेजी देखने मिल सकती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए तेजी देखने को मिल सकती है, 31,350 के लेवल्स देखने की उम्मीद है। शुक्रिया अमित ये कॉल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए और कमोडिटी मार्केट में अपनी राय देने के लिए। तो ये थे कमोडिटी मार्केट में आज आपके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट ट्रिगर होगा जिस पर की बाजार की नजर रहेगी, मार्च होलसेल महंगाई के आंकड़े भी आ जाएंगे और हमारा अनुमान है कि महंगाई दर में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। आज दोपहर 12 बजे मार्च होलसेल महंगाई दर के आंकड़े जारी होंगे और हमारे पोल के मुताबिक मंथ ऑन मंथ गिरावट देखने को, माफ कीजिएगा, बढ़त देखने को मिल सकती है। 2.48% से बढ़कर ये जो आंकड़ा है ये 2.76% के आसपास देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो सब्जियों की थोक कीमतें हैं वहां से थोड़ी राहत जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन इस वक्त जो ग्लोबल कमोडिटी के हालात हैं और तेल कीमतों में जो बढ़त देखने को मिल रही है उसका असर WPI महंगाई दर में देखने को मिलेगा और हमारा अनुमान है कि यहां पर आज बढ़त देखने को मिलेगी। CPI के जो आंकड़े आए थे वो थोड़ी वहां पर थोड़ी राहत आई थी, 4.2% के आंकड़े आए थे, लेकिन WPI में हमारा अनुमान है कि बढ़त देखने को मिल सकती है, 2.6% के आसपास ये आंकड़ा आज देखने को मिल सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा जिस पर कि बाजार की नजर है कि 12 बजे ये आंकड़े आज जारी होंगे। चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ और भी खबरों का। PNB एक बार फिर से खबरों में आ चुका है, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा एक और ज्वेलर को दिए गए कर्ज में अब गड़बड़ी पाई गई है। CBI ने FIR दर्ज कर ली है और शनिवार को जांच एजेंसियों ने दिल्ली स्थित डायमंड ट्रेडिंग कंपनी SSK ट्रेडिंग और उसके डायरेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये FIR करीब 180 करोड़ रुपए फ्रॉड मामले में की गई है और 6 बैंकों के कंसोर्शियम ने ट्रेडिंग कंपनी को 160 करोड़ रुपए की क्रेडिट फैसिलिटी दी थी। पंजाब नेशनल बैंक इस कंसोर्शियम का लीड बैंक था और उसका कर्ज में 55 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है। PNB के अलावा सेंट्रल बैंक, आंध्रा बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और OBC इस कंसोर्शियम में शामिल थे। ये कर्ज जून 30, 2014 को NPA घोषित हो गया था। ब्याज की वजह से पूरा मामला करीब 180 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।
और इसके अलावा आईसीआई ने मुंबई के ब्रैडी हाउस ब्रांच के सभी स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को नोटिस भी भेज दिया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी आईसीएआई ने ये नोटिस पीएनबी फ्रॉड मामले में भेजा है। नोटिस में ऑडिटर्स को बोर्ड के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। ये सभी ऑडिटर्स 2011 से 2017 के बीच में ब्रैडी हाउस ब्रांच के स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स रहे थे और आईसीएआई के मुताबिक 8 ऑडिटर्स को नोटिस भेज दिया गया है। आईसीआई ने साफ किया है कि वो कह नहीं सकते कि ऑडिटर्स गुनहगार अभी हैं या नहीं, लेकिन नोटिस के जवाब में ऑडिटर्स की सफाई के बाद ही अब इसके बाद कुछ कहा जा सकता है। और इसके अलावा सरकार ने ई वे बिल को और आसान बनाने के लिए नियमों में ढील दे दी है। अब ट्रांसपोर्टर्स ई वे बिल का टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं। अगर ई वे बिल में बदलाव करना हो तो वो पार्ट बी भर सकते हैं। पहले ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ी हर एक राज्य की चुंगी पर चेकिंग के लिए खड़ी होती थी, जिसमें कई बार 1 से 2 दिन का समय लग जाता था। अब वो नहीं होगा। किसी भी व्हीकल की एक बार चेकिंग होने के बाद दोबारा चेकिंग नहीं होगी, यानी व्हीकल का एक राज्य से दूसरे राज्य में फ्री फ्लो मूवमेंट होगा। ट्रांसपोर्टर्स को बिल जनरेट होने के बाद उसे रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने के लिए 72 घंटे का समय मिलेगा।